चैलेंजिंग मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन विच टीचिंग पोटेंशियल विच एक क्वेश्चन सी टीचिंग इज एन सर्विस जॉब ऑक्यूपेशन प्रोफेशन जॉब ते ऑक्यूपेशन सब ने रिजेक्ट किया है सर्विस जिहड़ा सी उन्होंने राइट आंसर दिता सी असीं प्रोफेशन राइट आंसर चुनिया है प्रोफेशन क्यों चुनिया गया उसके एविडेंस ये दिते गए ने इस क्वेश्चन के जिहड़ा बेसिक फॉरमैट है एप्लीकेशन वक्रे तौर पर दी गई है उस तो पेस्ट कर सकते हो जे देखनी भी है तो नीचे दिखा दिना हाँ तुहानू चलो चलो नहीं वो लंबा हो जाएगा टीचिंग एज ए प्रोफेशन उसकी जस्टिफिकेशन है पंजाबी देनी है पंजाबी इंग्लिश भी दिती हुई है कारण यह है कि स्पैशलाइज नॉलेज चाहिए है टीचर बनने लिए ट्रेनिंग चाहिए है फॉर एग्जाम्पल पैडागोजी सब्जेक्ट है मैटर है एक्सपर्टाइज है क्लासरूम मैनेजमेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता यह सेवा नहीं है क्योंकि ये ट्रेनिंग तो बिना टीचिंग विच आया नहीं जा सकता सो जिहड़ा टीचर है फॉर्मल एजुकेशन ते कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डिवेलपमेंट नू भी एनहांस करना हुंदा है ये नहीं है कि बी एड कर ली है उस तो बाद इन सर्विस ट्रेनिंग भी तुहाडी कंटीन्यू एजुकेशन कंटीन्यू रहिंदी है एथिकल कोड ने एथिकल कोड जे NPST ने भी दिते हुए ने नैशनल NCTE ने भी दिते हुए ने सो नैशनल कोड क्यों दिते हुए ने टीचर्स ने उहदे विच इहनू प्रोफेशन कंसिडर किया गया है ना वर्डिंग दिती गई है तुसीं पढ़ सकते हो रिकगनाइजेशन एंड सर्टिफिकेट टिपिकली रिसीव ओके टीचर्स टिपिकली रिसीव द सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस तुसीं जदों टीचर बनते हो BEd की डिग्री लेंदे हो BEd की डिग्री के बेस से टीचर लगते हो उदा ही नहीं लगते सेवा तो उस तरह बिना डिग्री तो की जा सकती है एविडेंस फॉर एजुकेशनल ऑर्गनाइजेशन कुछ ऑर्गनाइजेशन ने टीचिंग प्रोफेशन किया है द नैशनल एजुकेशन एसोसीएशन वन ऑफ द लार्जर टीचर ऑर्गनाइजेशन इन यूनाइटेड स्टेट एम्फेसाइज द ड्यूल रोल ऑफ टीचिंग एज ए सर्विस टू स्टूडेंट एंड प्रोफेशन विद इट्स फोकस ऑन प्रोफेशनल डिवेलपमेंट एडवोकेसी एंड एथिकल स्टैंडर्ड सेवा इस मनिया है लेकिन प्रोफेशन तो बिना नहीं है सो प्रोफेशनल सर्विस उत्तर हुंदा तो ठीक होना ही सर्विस बेस्ड ऑन प्रोफेशन द सर्विस इन टीचिंग प्रोफेशन ये हुंदा फिर उत्तर ठीक हो सकता है कल्ला सर्विस ठीक है पंजाबी विच भी है विशेष ज्ञान ते सिखलाई चाहिए है जेकर विशेष ज्ञान ते सिखलाई चाहिए है तो उसने सेवा नहीं की जा सकती जे की भी जाएगी तो वह प्रोफेशन की डिग्री लैके वो जिहड़ी है सिक्ख्या शास्त्र दे विषय महारत क्लासरूम प्रबंध विद्यक मनोविज्ञान इस दे विशेष ज्ञान अते सिखलाई दी लोड़ हुंदी है अध्यापकां नूं अपने हुनर नूं वधाउण लई रस्मी सिक्ख्या ते निरंतर पेशेवर विकास करना हुंदा है जो इन सर्विस ट्रेनिंग जिसनूं कह दिंदे हां नैतिक नियम ते मियार दूजे पेशियां वांग अध्यापक अक्सर पेशियां वांग मतलब प्रोफेशन वांग नैतिक नियमां ते अभ्यास दे मियारां दी पालना करदा है अध्यापक तों उम्मीद कीती जांदी है कि वह विद्यार्थी सहकर्मियों ते कम्यूनिटी के नाल अपनी गलबात विच उच्च पद्धरी पेशेवर इमानदारी जवाबदेही नूं कायम रखे ये जिहड़े कोड्स ऑफ एथिक्स ने इंग्लिश तुसीं पढ़ोगे ये NPST और नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वल्लों भी जारी किए गए ने 10 ये प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स ने जे वो प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर ने इट मीनस ये होया कि प्रोफेशन है मानता ते प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट चाहिए है जे टीचर लगना है कोई सर्टिफिकेट चाहिए है यस BEd का DLED का ETT का MEd का है ना जो PSTET का CTET का TET का सिलेक्शन टेस्ट किन्ने सर्टिफिकेट गेन करने होंगे है सो वो गल है पेशेवर पहलुआ की मानता देंदे जो कुछ एजेंसीज ने भी इसनों किया है उन्होंने सर्विस ते मैं दोनों का कंबीनेशन इतने लिखा है नैशनल एजुकेशन एसोसीएशन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दियाँ सब तो वड्डियाँ अध्यापक संस्थावां विचों एक है तो विद्यार्थियों की सेवा अते एक पेशे दे वजों अध्यापन की दोहरी भूमिका से जोर दिंदी है जिसका ध्यान पेशेवर विकास वकालत ते नैतिक मियार हैं सो इत्थे सेवा ते प्रोफेशन कट्ठे वरते गए हैं पर प्रोफेशन तो बिना सेवा किते भी नहीं किया गया कि सर्टिफिकेट नहीं होएगा स्पैशलाइज नॉलेज नहीं हुई स्पैशलाइज ट्रेनिंग होनी ये किसी ने भी नहीं किया सो जे ये ऑप्शन होंदा कि प्रोफेशनल सर्विस है फिर ठीक सी जे सर्विस इन टीचिंग है फिर ठीक सी है ना जा प्रोफेशनल सर्विस इन टीचिंग फो सो प्रोफेशन तो बिना कितने भी डिफाइन कुछ नहीं सो ये NCTE की एक वैबसाइट है इसको कॉपी पेस्ट करके देख लो ये पहला ही पॉइंट की आएगा ये NPST है नैशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर
की नाम की है इस डॉक्यूमेंट का जो ड्राफ्ट बन रहा है जो नैशनल पॉलिसी के बेस पर बन गया नैशनल प्रोफेसनल स्टैंडर्ड। सो प्रोफेसनल स्टैंडर्ड है तो नैचुरली है कि प्रोफेसनल होएगा। इसका पहला पॉइंट ही है अध्यापक एक पेशे वजो मतलब टीचिंग एज ए प्रोफेसन उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि यह प्रोफेसन है। वो डॉक्यूमेंट बड़ा लंबा है बड़े पेजों का इतने दिखाया नहीं जा सकता इतने लिंक दिता जा सकता है यूनिवर्सिटी भी यही लिंक पेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह इस क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन कर सकते हैं एविडेंस प्रूफ देख सकते हैं।